सोने का अंडा। बशीर एक गरीब आदमी था। इसने अपने घर में बहुत सी मुर्गियां पाल रखी थी और इनके अंडे बेचकर गुजर बसर करता था। एक रोज़ अंडे बेचने के बाद बशीर शहर से एक नई मुर्गी खरीद लाया। इसने सूरज ढलने पर मुर्गी को डरबे में बंद कर दिया। अगली सुबह बशीर ने डरबा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि नई मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया हुआ था। बशीर सोने का अंडा पाकर बहुत खुश हुआ। अब मुर्गी रोज़ाना एक सोने का अंडा देने लगी थी। बशीर वो अंडा शहर ले जाकर फरोख्त कर देता था, जिससे इसे काफ़ी रकम मिल जाती थी। मगर इसने ये राज किसी को नहीं बताया था। बशीर की माली हालात बहुत अच्छे हो गए थे और इसने नया घर भी खरीद लिया था। दिन इसी तरह गुजरते रहे। फिर गांव के लोगों को इस बात पर शक होने लगा कि बशीर के पास इतनी दौलत कहां से आ रही है। लोग इसके बारे में मुख्तलिफ आरा पेश कर रहे थे। बशीर गांव के लोगों की बातें सुनकर परेशान रहने लगा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों को कैसे मुतमईन करे। वक्त यूं ही गुजरता रहा और गांव वाले खुद ही खामोश होकर बैठ गए। इधर बशीर को रोज़ाना सुबह सवेरे डरबे में से एक सोने का अंडा मिल जाता था, लेकिन अब उसके दिल में ज़्यादा अंडे हासिल करने का लालच पैदा होने लगा था। एक दिन इसने सोचा कि मुर्गी मुझे रोज़ाना एक सोने का अंडा देती है, क्यों ना मैं मुर्गी को ज़िबा करके एक ही मर्तबा तमाम अंडे इसके पेट से निकाल लूँ। ये सोचकर बशीर ने एक तेज़धार छुरी उठाई और मुर्गी को पकड़कर ज़िबा कर दिया। मगर जैसे ही इसने मुर्गी का पेट चाक किया, ये देखकर बौखला गया कि इसमें एक भी सोने का अंडा मौजूद नहीं था। बशीर ने मायूसी के आलम में तमाम वाकया अपनी बीवी को सुनाया तो इसने कहा, तुमने बहुत बड़ी हमाकत की है, अब अपनी इस हमाकत का खमियाजा उठाओ। बशीर को अपनी जल्दबाजी पर बहुत पछतावा हुआ, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था, क्योंकि इसने मुर्गी को ज़िबा करके वो एक सोने का अंडा भी खो दिया था जो इसे रोज़ाना मिलता था। इखलाकी सबक, लालच बुरी बला है।